मैं आज कहती हूं, इन्होंने कहा अश्रु बहाए, भ्रमण किया 84 के दौरान में, मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे और किसी का वक्तव्य ना सुने अध्यक्ष जी। एक पत्रकार है प्रणय गुप्ता, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। आज बोलती हूं, त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से एक रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़क कर उसको आग लगा दी गई। और आज भारत की बात करते हैं, कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं, आई हैव बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का, 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्याह रचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। आज जो भग गए हैं सदन से, उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में ना धारा 370 लौटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को रलीव सलीव गलीव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। आज कई यहां पर बहनें उपस्थित हैं जो वहां से अपनी आक्रोश को और राहुल जी के प्रति समर्थन को व्यक्त कर रही हैं। 84 के दंगों का विवरण सुनकर, गिरिजा टिक्कू का विवरण सुनकर, और मैंने स्वयं अध्यक्ष जी मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात कर त्वरित रूप से वहां पर लोग पकड़े जाएं, ना सिर्फ इसका वहां पर निवेदन किया बल्कि वो लोग पकड़े गए, सीबीआई की इंक्वायरी जारी है। लेकिन जो आज यहां बैठे हैं, मैंने उनसे पूछना चाहती हूं, जो चले गए, उन्होंने कहा वो राजस्थान गए, और राजस्थान में क्या हुआ महोदय? गिरिजा टिक्कू को तो 90 के दशक में आरी से काट दिया गया था। भीलवाड़ा में 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, इस सदन से दो महिला एमपीज उस परिवार से मिलती हैं,
बच्ची जब जिंदा थी गैंगरेप के बाद महोदय, उसे काटा जाता है, फिर उसे भट्टी में डाल दिया जाता है। ये इन महिला सांसदों का वक्तव्य है कि जिस बच्ची को 14 साल की उम्र में जब जीवित थी गैंगरेप के बाद भीलवाड़ा राजस्थान में काटा गया, जलाने के लिए फेंका गया, उसका मात्र एक हाथ भट्टी के बाहर छूट गया था। मैं आज पूछना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, ये आज जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं न्याय की गुहार, इन्होंने तब नहीं लगाई जब 60 साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंगरेप हुआ, कोर्ट में केस लंबित है, इनका दिल नहीं दहला। और पूछ रहे थे कि मणिपुर के बारे में आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने प्रस्तावना की उनसे कहती हूँ, नल्ली का मैसिकर हुआ, 5 मिनट के लिए कांग्रेस के एक नेत्री गई, लेकिन इनका क्या रुख था तब 2012 में? तरुण गोगोई जी ने स्वयं वक्तव्य दिया है कि दंगे हो रहे हैं लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ना ट्रूप्स दे रही है ना इंटेलिजेंस दे रही है, कोकराझार की बात करते हैं। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का वक्तव्य है। कोकराझार में हिंसा होती है, धुबड़ी में 3-3 महीने कर्फ्यू रहता है। आज महोदय, जो लोकतंत्र की दुहाई दे चुके हैं, हम बार बार इस सदन में बार बार इमरजेंसी की गाथा को याद करते हैं। इस सदन में हम लोग बार बार उन नेताओं को, उन सामाजिक संस्थाओं को, उन मीडिया के बंधुओं को, उनकी प्रिंटिंग प्रेस कैसे जबरन बंद की गई, उसको इस पर विस्तृत चर्चा होती है। लेकिन इमरजेंसी के कालखंड में साधारण महिला का इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने क्या हश्र किया। स्नेहलता रेड्डी की आज बात करना जरूरी है। बेंगलुरु की जेल में बंद किया गया, और इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो सोशलिस्ट थी, भाजपा ही नहीं थी, सोशलिस्ट थी। और जब बंद किया 2 मई 1976 को, तब उन्होंने अपनी प्रिजनर्स डायरी में लिखा, और मैं कोट कर रही हूं जो पब्लिकली अवेलेबल है, As a woman comes in, she is stripped naked in front of everyone else. When a human being is sentenced, is the punishment not enough? Must the human body be degraded and humiliated? ये स्नेहलता रेड्डी के शब्द है जो उन्होंने इमरजेंसी के कालखंड में जेल में लिखे, अपनी अचीवमेंट्स को बताते हुए। June 6, 1974 में स्नेहलता रेड्डी लिखती है दैट एटलीस्ट आई हैव अचीव्ड समथिंग हियर, आई हैव स्टॉप्ड द हॉरिबल बीटिंग्स द विमेन प्रिजनर्स यूज्ड टू गेट। ये कांग्रेस का इतिहास है, और ये भारत की बात करते हैं।